छतरपुर के प्रचलित कथावाचक बागेश्वर सरकार के नाम से प्रख्यात बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सड़कों पर उतरा कलचुरी समाज एसपी से लगाई न्याय की गुहार। विगत दिनों बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आज कलचुरी समाज और ताम्रकार समाज के लोगों ने राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के बैनर तले पुलिस अधीक्षक कार्यालय छतरपुर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के प्रदेश युवा अध्यक्ष अधिवक्ता सुशील शिवहरे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे समाज के आराध्य देव सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज, उनके विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा की गई है, उसी को लेकर समाज में आक्रोश है और हम कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर आज एसपी छतरपुर और डीआईजी छतरपुर को ज्ञापन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी उनके द्वारा किया जा रहा है जो कि दुर्भाग्य पूर्ण है और गलत है। उन्हें अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसी विवाद के चलते बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे लोगों ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पूरे मामले में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके आराध्य देव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की बात कही गई है। पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले संबंधित पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस बार एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनका विरोध उनके गृह जिले छतरपुर में शुरू हो गया है। अब देखना होगा पूरे मामले में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से उनके पक्ष से क्या प्रतिक्रिया आती है। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए बॉबी अली की रिपोर्ट। आंदोलन सुशील सेवारे, प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय कल्चर एकता महासंघ। आज किस तरह का आवेदन आप लोग दे रहे हैं? हमारे समाज के जो आराध्य हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज, उनके विरुद्ध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है हमारे यहाँ जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा, तो उनके विरोध में हम लोग आवेदन पत्र एसपी साहब और डीआईजी साहब को देने आए हैं कि उनके द्वारा जो हमारे समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया है उसके तहत वो माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। एक तरफ कहते हैं कि हिंदुओं को हमें एक करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है और फिर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ये कैसा राष्ट्र बनाया जा रहा है? अगर कार्रवाई नहीं होती फिर आप लोग, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी समाज ताम्रकार समाज और सेवारी समाज जो कल्चुरी समाज है दोनों समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और जो हम लोगों को ऊपर से संगठन का आदेश मिलेगा उसके तहत संपूर्ण भारत में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कहाँ पर ये बयान दिया है उन्होंने? उनके द्वारा जो बयान दिया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के में उसमें डाला गया है, उसी के द्वारा हम लोगों को संज्ञान में आया है। आज ये राष्ट्रीय कल्चरी एकता महासंघ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जिनकी सभा अभी सागर जिले में चल रही है, उसमें इनका कहना है कि इनके भगवान के बारे में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बोली गई हैं। इस आवेदन को हम लोग जांच में लेंगे और जांच अनुसार इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर की मांग की क्या मांग की है इसमें? कई चीज़ें हैं, अभी इसको जांच में लेंगे क्योंकि उनके द्वारा कुछ बताया गया सोशल मीडिया फेसबुक में अपलोड करना, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो इनके पास होंगे वो भी लेंगे और साक्ष्य अनुसार कार्रवाई की जाएगी।